नमस्कार दोस्तों, जब भी आप अपने आधार कार्ड के थ्रू थम्स लगा के पैसा निकालते हो और आपका पैसा नहीं निकलता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपका जो आधार कार्ड है बैंक अकाउंट के साथ में लिंक नहीं है, या फिर इसको दूसरी भाषा में बोलें तो आपका जो बैंक अकाउंट है उस पर DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इनेबल नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम चलती हैं, चाहे वो PM किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर जो आजकल MP में चल रही है लाडली बहना योजना, जिसके तहत हर महीने लेडीज़ लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, तो आप इसको ये समझ सकते हो कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम चलती हैं और सरकार जो पैसा भेजती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत ही भेजती हैं, लेकिन पैसा तो आपको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बैंक में जाके और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इनेबल किया ही नहीं। तो अगर आपको भी इस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो अपना आधार कार्ड लेके और बैंक में जाना है और वहाँ पर सीडिंग करा देना है, आपको थम्स लगाना पड़ेगा और मैंने भी कराया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे क्वेश्चन आ चुका है, हालांकि SBI का जो सिस्टम है अभी तक ऑनलाइन करने का नहीं आया है, आपको बैंक में जाना ही पड़ेगा। तो लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हमको अपनी SBI होम ब्रांच में जाना पड़ेगा, या फिर अगर हम अदर सिटी में रहते हैं तो क्या हम SBI की किसी भी ब्रांच में जाके और करा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने SBI से ही क्वेश्चन कर दिया था, तो उन्होंने तो यहाँ पर यस बोला था कि आप किसी भी ब्रांच में जाके करा सकते हो, लेकिन मैं आपको सही सही बता देता हूँ कि जब मैंने कराया था अपना आधार कार्ड सीडिंग, तो मैं अपनी SBI होम ब्रांच गया था, वहाँ पर जाके और थम्स लगा के कराया था, मैं अदर ब्रांच में नहीं गया था, इसलिए मुझे इसका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है और आप अपनी होम ब्रांच से दूर हैं तो आप दूसरी ब्रांच में जाके और बातचीत कर सकते हो, और अगर वहाँ पर होता है तो आप करा सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने कराया है अदर ब्रांच से SBI की, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता देना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा कि होम ब्रांच के अलावा आप दूसरे ब्रांच से भी करा सकते हो।